हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं सीएससी यूपीएससी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर जो आपकी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही में हम लेकर आते हैं आपके लिए सक्सेस स्टोरीज, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे, और ये भी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं कि इन एग्जाम्स के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या प्लान और स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और साथ साथ कभी कभी हम आपके लिए ये भी लेकर आते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा में जो पास करने के बाद नौकरियां मिलती हैं वे कौन कौन सी हैं। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सिविल सेवा नौकरियों की सूची, जो कि 2021 में जारी हुई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। यह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा संचालित की जाती है। पूरे देश में युवाओं द्वारा करियर के बाद इन सेवाओं की सबसे अधिक मांग है। सॉफ्टवेयर और आईटी करियर की लोकप्रियता के बावजूद इसने अपना मूल्य नहीं खोया है। संरचना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें केवल 0.1% की सफलता दर है। एमओआरई और अधिक पेशेवर डिग्री धारक सिविल सेवा की सूची के बीच नौकरियों के लिए भी चयन कर रहे हैं। इसमें लॉ ग्रेजुएशन का नया पाया जाने वाला लोकप्रिय कोर्स भी शामिल है। सिविल सेवा भारत सरकार के ढांचे की रीढ़ की हड्डी की तरह है। यह वह प्राथमिक सेवा है जो राज्य और केंद्र प्रशासन को चलाने वाले सभी प्रमुख विभागों का नेतृत्व करती है। सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई 3 प्रकार की सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। वेतन भी सेवाओं के पद और श्रेणी के अनुसार ही भिन्न होते हैं। सिविल सेवा नौकरियों की पूरी सूची, जिसके लिए कि संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। यूपीएससी रैंक आवंटन यह तय करता है कि आपको कौन सी सेवा मिलेगी। छात्रों को उनकी पसंद के अनुसार सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए भी कहा जाता है। आपकी रैंक जितनी आगे होगी आपको आपकी पसंद का एक पद मिलेगा। यूपीएससी की रैंक और सेवाएं लगभग साथ साथ चलती हैं। सभी के साथ यूपीएससी रैंक संरचना का पालन किया जाता है, और उस यूपीएससी रैंक सूची में आपकी स्थिति आपको इन सेवाओं से मिलती है। आपको फिर से परीक्षा लिखने के लिए मौका मिलता है, लेकिन उस वर्ष के लिए एक बार फिर यूपीएससी रैंक पोस्ट आवंटित किया जाता है। सिविल सेवा की जो नौकरियां हैं उनके कितने प्रकार हैं 2021 में, आप वो देखिए। सिविल सर्विस परीक्षाएं यानी कि सीएससी के माध्यम से 3 प्रकार की नौकरियों की श्रेणियां हैं। इन 3 व्यापक श्रेणियों के तहत सेवाओं का एक सरगम है जो ये दिखाता है कि इसके बाद किस तरीके की मांग की जाएगी। सिविल सेवा रैंक की सूची तय परीक्षाओं के परिणाम के साथ सामने आती है, लेकिन कुछ समय के लिए वरीयता के कारण कुछ टॉपर्स ऐसी सेवाओं को चुन सकते हैं जो आईएएस या आईपीएस जैसी सूची में शीर्ष पर नहीं है। पहला, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। दूसरा, ग्रुप ए सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। तीसरा, ग्रुप बी सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की जो जॉब्स की लिस्ट है वो कौन कौन सी है, ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। पहला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएएस। दूसरा, इंडियन फॉरेन सर्विस और आईएफएस। तीसरा, इंडियन पुलिस सर्विस और आईपीएस। लिस्ट ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज बाय यूपीएससी आर इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज। दूसरा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तीसरा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसके अंदर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज आता है। चौथा, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विसेज। पांचवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईटी डिपार्टमेंट का, दैट मींस आईआरएस। छठा, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विसेज।
दैट मींस असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जिसके अंतर्गत आता है वो। सातवां इंडियन पोस्टल सर्विसेज, आठवां इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विसेज, नवां इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, दसवां इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विसेज, ग्यारहवां इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, बारहवां इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दैट इज असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, तेरहवां इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, चौदह इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जिसके अंदर की जूनियर ग्रेड में आते हैं, पंद्रवां इंडियन ट्रेड सर्विसेज। अब ग्रुप ए में जो ग्रुप थ्री होता है वो होता है इसके अंदर। 16th इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज। अब हम ग्रुप बी की लिस्ट के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन सी सर्विसेज आती हैं। सो द लिस्ट ऑफ ग्रुप बी सर्विसेज इज, पहला आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस जिसके अंदर सेक्शन ऑफिसर्स की ग्रेड आती है, दूसरा दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप डैमन एंड ड्यू और दादर एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज, तीसरा दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप दमन एंड ड्यू एंड दादर एंड नगर हवेली पुलिस सर्विसेज, चौथा पौंडिचेरी सिविल सर्विसेज, पांचवा पौंडिचेरी पुलिस सर्विसेज। अपनी रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए आज ही खरीदें प्रभात प्रकाशन की ओर से रीट 10 बुक सेट। इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ड एग्जाम का लेटेस्ट सिलेबस, साथ ही सारी अध्ययन सामग्री जिसे पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इसमें दिए गए पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट से दूर हो जाएगा सारा एग्जाम फियर। तो आज ही ऑर्डर करें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नजदीकी बुक स्टोर से और क्रैक करें रीट एग्जाम।